अयोध्या हारने के बाद लोग कह रहे हैं कि जयचंद्र ने हराया, बीजेपी का असली जयचंद्र तो अमित शाह है जिसने मोदी को हराया। अरे देश के प्रधानमंत्री की उनके पैर कांप रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तानाशाह लोग हैं। अब ये तानाशाही नहीं कर पाएंगे जिस तरह उन्होंने 14 से 19 और 19 से 24 तक तानाशाही की है। भाजपा का उत्तर प्रदेश से जो अभी आधे पर आए हैं ना, इनका सूपड़ा साफ होगा। वो खुद कह रहे हैं कि हमको परमात्मा ने भेजा है। वो तानाशाह है, वो अपने आप को बनाना चाहता है कि मैं भगवान हूँ। भगवान है नहीं, भगवान ने अयोध्या में दिखाया है कि भगवान हम है। तुम चाहे जितनी तानाशाही कर लो, अयोध्या में मसल के भेज दिया है। देखिए इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो पिछले 10 साल में जो संविधान को कुचला, संविधान में लोकतंत्र को कुचला, जो राजनीति करी, उसी का जवाब हिंदुस्तान की जनता ने इनको दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। और कि नफरत की राजनीति अब नहीं चलेगी, गुराम गुमराह करने की राजनीति अब नहीं चलेगी। मोदी जी देश की विकास की बात करिए, देश के नौजवान की बात करिए, किसानों की बात करिए, वरना रायबरेली जैसा हर्ष, अमेठी जैसा हर्ष, स्मृति ईरानी जैसा 75,000 वोट अगर हमारे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिल जाता तो मोदी जी आप काम लग गया होता। नफरत की राजनीति और धर्म की राजनीति जब नहीं चल सकती उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोगों ने आईना दिखा दिया। तानाशाह लोग हैं वो, उन्होंने हमेशा पूरी तानाशाही के साथ राज करने का काम किया है। और साइकिल और पंजे ने मिलकर जो बाबा का बुलडोजर चल रहा था उस पर पंजे ने जो साइकिल ब्रेक लगा दिया, अब बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा, उनकी औकात पता चल गई है। ऐसा एक पेपर नहीं है मेरे दोस्त जो पेपर लीक ना होता हो। हम बता रहे थे, हमारे 500 साथी मेरे साथ बता रहे थे, राशिद भाई यूपीपी का पेपर ना डालो, आपके पैसे बेमुफ्त में जाएंगे, आपके पिताजी इतनी मेहनत से कमाते हैं। मैंने कहा नहीं, इस पेपर को मैं डालूंगा, मैं सेंटर पे नहीं पहुंच पाता हूं। वो पेपर जो है इंटरनेट पे जो है वायरल होकर तैरने लगता है। तो इतना पगला गए थे बनारस में, क्या क्या नहीं बोला आप, दुनिया ने सुना है। 43 साल के इतिहास में, 73 साल के इतिहास में पहली बार मैंने प्रधानमंत्री को देखा कि जो भाषा की गरिमा को इतना तार तार कर दिया है कि प्रधानमंत्री कहलाने लायक नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कांग्रेस की आज जनसभा थी, जन आभार समारोह का आयोजन किया गया था। राहुल गांधी ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया है। सबसे जरूरी बात, अभी तक मुझे सुनने में नहीं आया कि किसी भी नेता ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की हो इस तरीके से कि भैया सारे सारे आ जाओ और सबको हम धन्यवाद करेंगे। राहुल गांधी के लौते नेता है, सही कह रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो अयोध्या हारने के बाद लोग कह रहे हैं कि जयचंद्र ने हराया, बीजेपी का असली जयचंद्र तो अमित शाह है जिसने मोदी को हराया। जो दो युवराजों की बात करते थे वो तो चाणक्य है, लोग चाणक्य नहीं सब है। यह देश का दुर्भाग्य है कि गुजरात का तड़ीपार हमारे देश का गृहमंत्री है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कुछ नहीं हो सकता है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी है कि जो बच्चों को इंटर के बाद फिर से जो है क्या नाम 12th कराता है। इतना पढ़ा लिखा जो है गृहमंत्री है। लोग तो कह रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे गृहमंत्री उनके आने के बाद से राम मंदिर। आप ये सोचिए, पूरे हिंदुस्तान के लोग लड़ रहे हैं लेकिन राज सिर्फ गुजराती कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में काबिलों की कमी है? क्या हिंदुस्तान में काबिलों की कमी है? क्या राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है? क्या अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है? इन्होंने कहा दो युवराज, दोनों युवराज ने राजा साहब को हरा दिया है। राजा साहब को पता होना चाहिए आज पैर पकड़ पकड़ करके अपनी सरकार बना रहे हैं, दिन दूर नहीं है गायब हो जाएंगे। जैसे आपने अभी कहा कि राहुल जी मिल रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी अपने कार्यकर्ताओं से बराबर मिल रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिलना हम कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धन को एकदम, हम लोग एकदम पूरी एनर्जी आ जाती है। और रही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री की, उनके पैर कांप रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तानाशाह लोग हैं। अब ये तानाशाही नहीं कर पाएंगे जिस तरह उन्होंने 14 से 19 और 19 से 24 तक तानाशाही की है, इस देश को गुलाम बनाने का काम किया है, अब नहीं कर पाएंगे। अब विपक्ष मजबूत है, लाठी का जवाब लाठी होगा और जवाब को जवाब, सवालों का जवाब होगा। कोई गलत काम नौजवानों किसानों के साथ अगर ये सरकार करेगी, अग्निवीर जैसी योजनाएं लाएगी, उसका जवाब सड़कों पर दिया जाएगा, चाहे खून बहे। तानाशाह बता रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमको परमात्मा ने भेजा है। वो तानाशाह है, वो अपने आप को बनाना चाहता है कि मैं भगवान हूँ। भगवान है नहीं, भगवान ने अयोध्या में दिखाया है कि भगवान हम है। तुम चाहे जितनी तानाशाही कर लो, अयोध्या में मसल के भेज दिया है। और एक समाजवादी पार्टी का छोटा सा सिपाही बन के सांसद खड़ा हुआ है अयोध्या के अंदर, आप देखिए क्या जलवे हैं। और उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया कि नफरत की राजनीति अब नहीं चलेगी, गुराम गुमराह करने की राजनीति अब नहीं चलेगी। मोदी जी देश की विकास की बात करिए, देश के नौजवान की बात करिए, किसानों की बात करिए, वरना रायबरेली जैसा हर्ष, अमेठी जैसा हर्ष, स्मृति ईरानी जैसा 75,000 वोट अगर हमारे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिल जाता तो मोदी जी आप काम लग गया होता। सिर्फ 75,000 वोट और मोदी जी चुनाव हार गए होते, उनको रातों में नींद नहीं आ रही है। और अगला चुनाव अगर मोदी जी लड़ेंगे, हमको तो लगता नहीं कि अब लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो गुजरात में लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे। बनारस से ही लड़ेंगे, गंगापुत्र अपने आप गंगापुत्र नहीं है, वो भाग गए हैं। ये जान गए कि हमारी क्या हैसियत रह गई है, जो 3.5 लाख से जीते थे 2024 के चुनाव में, 1.5 लाख बचा है। सिर्फ 75,000 वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को और मिल गया होता तो मोदी जी आप घूम रहे होते, राज्यसभा जाते, प्रधानमंत्री नीतीश पलटी मारेंगे, उनको आना चाहिए था। नीतीश जी को अभी एहसास हो जाएगा कि ये तानाशाह लोग हैं। नीतीश जी को मालूम है अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ होते तो अपनी मांगे कैसे मनवाते और चढ़ के अपनी बातों को कहते। वहां पे अगर वो तेज आवाज में बात करेंगे तो तानाशाह लोग अपने पैर की जूती में मसल देंगे उनको। हम जो बता रहे हैं मसल देंगे, वो तानाशाह लोग हैं। वो उन्होंने हमेशा पूरी तानाशाही के साथ राज करने का काम किया है। उनके क्वेश्चन, उनके अगर कोई सवाल किसी चीज पर उठा देता है उसके ऊपर मुकदमा लिख देते हैं। नीतीश जी को मालूम है वो एक तड़ी पार जो हमारे देश के गृहमंत्री हैं, नीतीश जी रात में सोएंगे और उनके सारे सांसद बीजेपी में हो जाएंगे, वो ऐसा तड़ी पार है। ये कह रहे हैं कि मसल दिए जाएंगे नीतीश, क्या लगता है नीतीश और नायडू की मनोकामनाएं बीजेपी के साथ गठबंधन में जाने के बाद पूरी होंगी या नहीं?
देखिए नीतीश जी की मनोकामना या इच्छा पूरी तो परमात्मा नहीं कर सकता, समझ गए, क्योंकि उनकी इच्छाएं अनंत हैं और उनके पलटने का कोई समय नहीं कि कब पलट जाएं। और आदरणीय राहुल जी ने जो हमारे सांसद हैं, लोकप्रिय जनप्रिय सांसद, उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान हिंदुस्तान में खोली है उस मोहब्बत की मिठास आपके सामने भी है। ये राहुल जी ने, ये राहुल मैं आपको खिलाता हूँ कि ये राहुल जी की मोहब्बत की दुकान है। और मैं कैमरामैन को भी चाहूंगा कि आप भी लीजिए, फले फ्रेम में नहीं आएंगे, ये मोहब्बत की मिठास है। और ये देखिए कांग्रेस और ये सपा का भाईचारा है, ये हमारे राशिद भाई हैं, हम लोग हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रख के जीना सीखते हैं, ये गुलदस्ता है। और 27 में मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके माध्यम से कि भाजपा का उत्तर प्रदेश से जो अभी आधे पर आए हैं ना, इनका सूपड़ा साफ होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो चाय वाले को झेलना है, इसके बाद में काढ़े वाले को झेलना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो पिछले 10 साल में जो संविधान को कुचला, संविधान में लोकतंत्र को कुचला, जो राजनीति करी, उसी का जवाब हिंदुस्तान की जनता ने इनको दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। और इनको एहसास हो चुका है कि आज ये घुटने पर आ गए हैं, बैसाखी पर चल रहे हैं। और अच्छी तरीके से मोदी जी जान चुके हैं कि एक एक दो दो सांसद के पार्टी वालों के भी पैर छू रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। यूपी के दोनों शहजादों ने भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पर ला दिया, जो ये कह रहे थे कि ये दोनों देश को डुबो देंगे, उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को डुबो दिया। देखिए ये माननीय अखिलेश जी और राहुल जी का करिश्माई नेतृत्व है, पीढ़ी की रणनीति है, जो इंडिया गठबंधन की 43 सीटें आई है, जो नफरत की राजनीति, धर्म की राजनीति अयोध्या से शुरू हुई थी, वहाँ पर अयोध्या प्रसाद ने वहीं पर ब्रेक लगा दिया है। और दूसरी बात यह है, और साइकिल और पंजे ने मिलकर जो बाबा का बुलडोजर चल रहा था उस पर पंजे ने जो साइकिल ब्रेक लगा दिया, अब बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा। उनकी औकात पता चल गई है कि हम कहाँ पर हैं, नफरत की राजनीति और धर्म की राजनीति नहीं चल सकती उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोगों ने आईना दिखा दिया, जो मोदी जी, जो योगी जी संविधान खत्म करने की बात कर रहे थे, आज आपने दुनिया ने देखा है कि जिस तरीके से संविधान को माथे पर लगा रहे, उनकी औकात समझ में आ गई कि अगर हम संविधान को जरा सा छेड़ेंगे तो उत्तर ये इंडिया के नक्शे में कहीं दिखाई देंगे नहीं, दिखाई देने वाले नहीं बीजेपी वाले, क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में, देश में एक अत्याचार किया, एक बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, संविधान को खत्म किया जा रहा, आरक्षण को खत्म किया जा रहा, लेकिन भाजपा का नेता उस पर कोई बात नहीं करता है, केवल बात कर रहा है हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, कभी 400 पार कभी 800 पार, बेमतलब की बात है। मोदी जी तो इतना पगला गए थे बनारस में, क्या क्या नहीं बोला आप दुनिया ने सुना है, 43 साल के इतिहास में, 73 साल के इतिहास में पहली बार मैंने प्रधानमंत्री को देखा कि जो भाषा की गरिमा को इतना तार तार कर दिया है कि प्रधानमंत्री कहलाने लायक नहीं है। अयोध्या वासियों को बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, सामान्य लोग भी गद्दार बता रहे हैं। देखिए अयोध्या ने उनको आईना दिखा दिया कि असली राम भक्त तो समाजवादी पार्टी इंडिया के लोग हैं, उनका सुपड़ा वही साफ कर दिया है। आप बनारस में हारते हारते रह गए हैं, सुल्तानपुर हार गए, जो राम जी का वन पथ था, जो गमन मार्ग था, आप अमेठी हार गए, रायबरेली हार गए, प्रयागराज हार गए, किस आप राम की राजनीति की बात करते हैं। राम की राजनीति में इन्होंने 2 बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन आपकी तीसरी बार जब बनकर तैयार हुआ राम का मुद्दा कहीं चला नहीं है, क्योंकि धर्म अधर्म आस्था का विषय हो सकता है लेकिन पब्लिक का विषय नहीं हो सकता है, ये निजी विषय है धर्म का। हम राम और लोग बात करें, क्या लग रहा है आप युवा हैं और जिस तरीके से इस सरकार में युवाओं की अनदेखी की गई, चाहे रोजगार की बात करें या तमाम और सारी चीज़ों की बात कर ले, क्या लग रहा है कि इस बार वो अनदेखी जो है वो ये भरपाई कर पाएंगे, युवाओं की सुनेंगे? देखिए ये उसका ही नतीजा है कि जब देश के आम चुनाव के नतीजे आए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से युवाओं को लाठी और डंडों से पीटा जा रहा था तो उत्तर प्रदेश से तो ये साफ होते होते रह गए हैं। अब उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव विधानसभा पर जनता की नजर है, उत्तर प्रदेश में अभी ये आफ हुए हैं, 27 में ये एकदम साफ हो जाएंगे। ऐसा एक पेपर नहीं है मेरे दोस्त जो पेपर लीक ना होता हो, हम बता रहे थे, हमारे 500 साथी मेरे साथ बता रहे थे, राशिद भाई यूपीपी का पेपर ना डालो, आपके पैसे बेमुफ्त में जाएंगे, आपके पिताजी इतनी मेहनत से कमाते हैं। मैंने कहा नहीं, इस पेपर को मैं डालूंगा, मैं सेंटर पे नहीं पहुंच पाता हूं, वो पेपर जो है इंटरनेट पे जो है वायरल होकर तैरने लगता है। साफ हो जाएंगे आने वाले चुनाव में, 403 में से कितनी सीटें जीत पाएंगे? इनका जो है जमानत नहीं बचने वाली है, सरकार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के रूप में करण और अर्जुन की जोड़ी, आप भाजपा तो गए हो काम से, ये करण अर्जुन की जोड़ी ने आपके छक्के छुड़ा दिए हैं। अगर आप इनको सहजादा कहते हैं तो हमें ऐसे सहजादे पसंद है जो नंगे पांव 4000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, महिला हो उसको गले लगाते हैं, मजदूर हो उसको गले लगाते हैं, युवा हो उसको गले लगाते हैं। आप महिलाओं की बात करते हैं, आपका कोई विधायक हो, आप कुलदीप सिंह सेंगर को ले लीजिए, रेप का आरोप लगता है, प्रज्वल रेवन्ना जिसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं उसके ऊपर रेप के आरोप है, प्रधानमंत्री कहता है इसको वोट दो, आखिर आप प्रधानमंत्री होके हम जैसे युवाओं को क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं, जो एक रेप का आरोपी है, जो एक जो है महिला की उम्मीद है इस सरकार से? इस सरकार से मुझे 1% उम्मीद नहीं है। नीतीश क्या लग रहा है कि पलटी मारेंगे, नायडू उधर ही रहेंगे इधर आएंगे? नीतीश जी का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो कब पलटी मार दे, वो रात में जो है सोते सोते पलट मारते हैं कि पता चले इंडिया में आ गए कि एनडीए में आ गए, क्योंकि उनकी नैतिकता एकदम नहीं है। अब देश कह रहा है नीतीश जी आपने अपनी मर्जी से अनेकों बार पलटी मारा है, एक बार इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए पलटी मार दीजिए तो इस देश का आइन बच जाएगा, इस देश के युवाओं का रोजगार बच जाएगा, महिलाओं की अस्मिता बच जाएगी, हिंदुस्तान का लोकतंत्र बच जाएगा, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट बच जाएगा। आपकी आत्मा
अब जागेगी नीतीश कुमार। अनेकों बार आप पलटी मारे हैं, इस बार हम जैसे युवाओं के लिए आप पलटी मार दीजिए कि हम लोगों को रोजगार मिल जाए, हिंदुस्तान की माताएं और बहनें सुरक्षित हो जाएंगे। आप यहाँ पर आए, आपने राहुल गांधी को सुना और दोबारा क्या बल्कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है, प्रधानमंत्री बन चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं पहली बार तो आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी को बधाई देता हूँ और दूसरी बात, मैं राहुल गांधी जी मेरे राष्ट्रीय नेता है, मैं उनके आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप में और बीजेपी में कोई अंतर नहीं रह गया। जहाँ से मैं इस समय आपके मंच से निकल रहा हूँ, मैं यहाँ से यस्सी समाज से आता हूँ, दलित समाज से आता हूँ, जहाँ पे हमारे यहाँ घोर उपेक्षा हुई आज हमारे समाज की, आपके मंच से माध्यम से रायबरेली आप जान पा रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी जो कि यस्सियों का सबसे ज़्यादा गढ़ रहा है, और अगली बार आप हारे हैं अमेठी तो इसी वजह से हारे हैं कि आपने वहाँ पर यस्सियों की अपेक्षा की। इस बार इसी मंच में मैं दुखी होकर जा रहा हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बस कि यहाँ के भ्रष्टाचार से, यहाँ के जो हमारी आपकी कमेटी है, वहाँ जो लोगों के साथ एक जाति समीकरण वाला प्रोग्राम आपके थ्रू जालसाजी की करी जा रही है कि यहाँ पे दलितों ने सब आप तोड़ दिया, इसलिए आप आए तो संविधान लेके आए, और विपक्ष ने संविधान बदलने की बात कही थी, उससे लेके जब संविधान आप लेके आए तो संविधान से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला इंसान कौन था? दलित था। और जब दलित आपके साथ आया तो आप यहाँ रायबरेली रिकॉर्ड 4,22,000 वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? इस मंच में भी एक भी एससी का नाम नहीं लिया, एक भी दलित नेता का नाम लिया, कार्यकारिणी समिति का सदस्य होते हुए वीरेंद्र यादव जी का आपने नाम नहीं लिया, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सुशील पासी जी का आपने नाम नहीं लिया। हम दलित का तो उपेक्षा बीजेपी में भी हो रही थी, अब कांग्रेस में भी हो रही है, तो आपने और बीजेपी में क्या अंतर रहा? और आपके माध्यम से मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये जो जालसाजी हो रही रायबरेली में, इस चीज को आप रोकिए, नहीं तो आने वाला भविष्य फिर वैसा ही होगा। क्या लगता है कि जो पीडीए की बात करते हैं झूठ है? जी बात वो सही कह रहे हैं, आप इसी जगह पीडीए में चले जाइए। अभी अखिलेश यादव जी का देख लिए, उन्होंने जो वोट बंटवारा किया उसमें देखिए, आ जाइए एक मिनट, आप लोग यहाँ पे आए हुए थे, आपने सुना, क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है? राहुल गांधी जी ने तो हम लोग को एकदम खुश कर दिया। हाँ, जैसे हम खुश कर दिया क्या? 8,500 आ गए क्या? 8,500 की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ महिलाएं कह रही हैं, एक संत है अयोध्या के, वो कह रहे हैं कि महिलाएं पहुंच गई हैं कार्यालय पर और अपने 8,500 मांग रही है, अगर 8,500 नहीं मिलेगा तो चप्पल से मारेंगे। भैया चप्पल से क्यों मारेंगे, पहले मोदी जी से 15 लाख तो ले आए, 8,500 क्या चीज है? पहले मोदी से 15 लाख लेके तो आए, 8,500 मांगे वो, तब मांगे ना महिलाएं। कौन सी ऐसी महिला है वो आज खुद ही चप्पल से मार खाएंगे? मार खाएगा चप्पल? अरे महिला जो कह रही 8,500 तो मिलेगा, लेकिन वो ये बोले थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मिलेगा, या नहीं कहे थे कि रायबरेली से जीतने के बाद मिलेगा? तो क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आप लोगों की सुनेंगे, महंगाई कम होगी? मोदी तो कभी ना सुने ना सुनेंगे, वो और महंगाई बढ़ेगी। जब तक वो कटोरा लेके बाहर नहीं निकाल दे तब तक तो कुछ कहना ही। वो तो नारियों की पूजा करते हैं और आप कह रही है कि महंगाई बढ़ेगी? नारियों की पूजा करते तो मंगलसूत्र की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते बताइए, नारियों की पूजा करने वाले मंगलसूत्र की बात नहीं करता। देखिए कई जगह पर देखा हमने कि वो पैर धोकर धोते हैं। अरे किसका धोते हैं, ना तो अपने माँ का धो पाए ना तो अपने बीवी का धो पाए, रणवा घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं सारे। चलिए क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, वो आएंगे इधर गठबंधन की तरफ? नहीं आएंगे। देखिए हम लोग का तो यही मानना है नीतीश भाई साहब आ जाए हम लोग के गठबंधन में, हमारी सरकार बने, लेकिन अब वो उनकी विचार है, बस सोच ही सकते हैं। नीतीश कुमार जो है वो तो पलटू है, कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई इसका वो नहीं है कि कब पलट जाए वो, तो अभी गठबंधन टूट भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और हम लोगों का मतलब पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस एक दिन जरूर आएगी। पता क्या लग रहा है कि जितना सम्मान आप लोगों को इधर मिल रहा है, आप जैसा अभी बता रही थी, उतना सम्मान कभी भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी? ना कभी मिला है भारतीय जनता पार्टी से, ना कभी मिलेगा। जो सम्मान कांग्रेस पार्टी में मिल रहा है और मिलेगा, हमेशा आजीवन मिलेगा कांग्रेस पार्टी से सम्मान। महंगाई को लेकर के अभी आप बात कर रही थी और स्मृति ईरानी महंगाई की बात पहले बहुत करती थी, अब तो जनता ने उनको हरा दिया, क्या लग रहा है कि उनका क्या होगा? अब उनका क्या होगा, झोला उठावे कहीं संन्यास बन के अपन जोगन बन के बैठे, क्या करेंगे? अब उनके लिए बचा ही क्या है, खदेड़ दी गई अमेठी से, क्या बाकी है उनके लिए बताइए? और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के दिनेश, उनके बारे में क्या कहेंगे? भाई देखिए उनके बारे में हम क्या कहेंगे, अब उनके भाई हमारे रायबरेली के, वो भी सम्मानित आदमी है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी। दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी जो थे उनको कांग्रेस ने बनाया और आज वो कांग्रेस को मतलब जिस पत्ते पे खाया उसी पत्ते पे उन्होंने छेद कर दिया है, तो वो तो किसी के नहीं है, क्योंकि वो तो दर बदलू नेता जो होते हैं वो तो दर दर भटकते रहते कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ, उनका काम ही यही है और वो ऐसे ही करते रहेंगे। कल कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस में भी घुस जाएंगे और जी वो सबसे पहले तो वही गद्दार है ना, कांग्रेस ने ही उनको यहाँ तक पहुँचाया, उन्होंने तो सबसे बड़े गद्दार वही है, हम लोग की नज़र में तो वही गद्दार है भाई। हमको के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर तमाम सारे लोग आए हुए थे जो राहुल गांधी के लिए प्यार दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ।